हमेशा हाउ एफिशिएंटली वी वर्क, हम अपनी ताकत का कितना परसेंट हम अपने आपको काम पे दे पा रहे हैं। हर कोई के दिमाग में होता है कि हम 100% ही दे रहे हैं, बट हमारी मसल्स, हमारा माइंड, हमारी कई मांसपेशियां हमें वो 100% डिलीवर करने से रोक देती हैं। उन चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एक छोटा सा सॉल्यूशन है सबके लिए। नाउ एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी, उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल छोटी सा है कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, कोई भी काम हम करने जाते हैं उसमें हम अपनी मसल स्ट्रेंथ को कम से कम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आज की हर सीट पे आप देखेंगे पहिए लगे हुए हैं। ये पहिए क्यों लगे हुए हैं, पहले हम लोग उठा के पूरा कहीं शिफ्ट किया करते थे, मसल वर्क हमारा बहुत ज्यादा लगता था। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहिए लग गए कि कहाँ ले जाना है बिना मसल वर्क के इजीली ले जा सके। ऐसा हर कॉन्सेप्ट हम अपने हर काम में लगा सकते हैं। बैठ के एक बार थोड़ा सा टाइम लगाने की जरूरत है, काम समझने की जरूरत है, हम किस तरह से करें ये चीज। देन उस प्रोसेस को इतना मिनिमम रखिए कि आप भी समझ पाए, आपने कल वही काम किसी और से करवाना है तो वो भी इजीली समझ पाए। देन कंफर्ट, काम के लिए कंफर्ट एक बहुत असेंशियल चीज है। बहुत ही अच्छा ऑफिस बना हुआ है, सब चीज बहुत पर्टिकुलर है, जो आप अपने एंड पे उस कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। लाइट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मूवेबल स्पेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक लाउडनेस बात में या किसी चीज में भी ना हो, मिनिमम आपस में जब बात होती है, कई बार हम बैठ के चीखते हैं, ये चीज आपको उस समय मैटर नहीं करती, लेकिन वो जो वॉल्यूम एक क्यूबिकल में फिक्स हो जाती है, वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं लेटर स्टेज पे ग्राफ जो है बढ़ता जाता है वॉल्यूम का, वो इकट्ठी होते होते वो कहीं ना कहीं हेडेक पैदा करती है। क्यों पे के किसी की आपस में बातचीत को डिस्टर्ब ना करें, इफ पॉसिबल अगर जनरल नहीं हो सकता तो आप अपने माइक्रोफोन से हल्का सा म्यूजिक, जब आपको पता है आपने रेगुलर काम सेम करना है टाइपिंग का, माइक्रोफोन के साथ एक लाइट म्यूजिक लगा के रख सकते हैं, बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग वे होता है। अच्छा, मैं बैठने का तरीका, हमेशा क्वेश्चन मेरे से हर कोई पूछता है कि हम कैसे बैठे ऑफिस में, तो एक पर्टिकुलर जो जरूरी चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। चेयर आजकल फर्नीचर जो भी अवेलेबल होता है सब अर्गोनॉमिकली बिल्ड होता है, बस उसको यूज हम ठीक से कैसे कर सकते हैं उसको मैं एक सिस्टम बता दे रहा हूँ। जब भी हम चेयर पे बैठते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हमारी हिप जो है पीछे टच होनी चाहिए। हमेशा ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जब भी बैठे हैं कोई भी काम कर रहे हैं हिप को पीछे बैक रेस्ट से जरूर लगा के रखें। देन हाइट कितनी होनी चाहिए टेबल की, ये आपकी एल्बोज जब टेबल पे रेस्ट करती हैं तो ये जो एंगल बनता है ये 90 से 1, ये मैंने कर दिया ये 180 डिग्री हो गया, दैट मीन्स मैं ज्यादा ऊपर बैठा हूं। एंगल मिनिमम 90 मैक्सिमम 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एल्बो का एंगल, इतनी सीट आपको एडजस्ट रखनी होती है। दूसरी चीज पैर जो है, ये एक हो गया ये बैठे हैं, दिस इज ये एंगल जो इस समय बन रहा है, आप अगर देख पा रहे हैं मेरे पैर को, ये एंगल इस समय 30 डिग्री है तो ये कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। ये एंगल 60 से 90 डिग्री होना चाहिए पैरों का। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूं मेरे पैर नीचे नहीं लगते, वो भी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है, इसकी घटा देता हूं कि मुझे पैर साइज। हमारे पास हजारों चीजें नुकसान पहुंचाने की हो, चाहे सेम नेचर ऑफ वर्क हो, चाहे मिलावटी खाना हो, चाहे प्रदूषित हवा हो, आप अगर ये 10 स्टेप्स आने वाले टाइम में करते रहें, आने वाली हजारों प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, नेक प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, हर किसी से बचे रह सकते हैं। किसी को नहीं कहना पड़ेगा यार आजकल हवा ही खराब है क्या करें, बीमारी आती है। अब आप बीमारी लाते हैं तो अपनी मर्जी से लाते हैं, अगर आप ये करते रहेंगे तो ये बीमारी रुकी रहेगी। इस चीज में सपोज आप जब भी कंप्यूटर पे बैठते हैं या जब रेगुलर राइटिंग वर्क करते हैं, आई स्ट्रेन को कैसे रिलीज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। हमने आई के सामने हाथ रखना है, इसको फोकस कर हाथ को देखते हुए हाथ को दूर ले जाएंगे, उसी उंगली को देखते रहेंगे, वापस लाएंगे, इसको रिपीट करेंगे 5 times। ये हो गई, ये नेक अपना आईज को रिलैक्स करने के लिए। फिर नेक को रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, नेक स्ट्रेच करनी है हमने, साइड नेक स्ट्रेचिंग। अपने हाथ से ओवर प्रेशर देके नेक को एक कंधे की ओर घुमाएंगे, पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे, देन आगे स्ट्रेच करेंगे, हाथों को
वेस्ट पे स्टेबल करते हुए बैक को पीछे लेके जाएंगे। इसमें 5 सेकेंड होल्ड करना होता, ये जब आदत में आ गई आप एक बार भी रखें, ये ना सिर्फ हमारी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये हमारे हर सिस्टम को, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो लिवर है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? शुगर, क्योंकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, हमारे सेल्स ऑक्सीजन पूरी हमारे हर बॉडी तक नहीं पहुंचा पाते, उसको पहुंचाने के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। फेसिंग, कभी भी कहीं भी पेन लगे उस पे सीधा ही गरम नहीं लगाया जाता, सबसे पहले हमेशा कहीं भी दर्द लगे आइस लगाइए, 10 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूअस आइस। मैं आपने हमने जो किया उसको मार्क्स देने हैं, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये जरूरी पार्ट है, क्योंकि जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन देंगे आपको वो ईमेल भी देंगे, तो ईमेल और फोन नंबर जरूर मेंशन करिएगा। दूसरा पेज है वर्कशीट का, आप किस तरह से काम करते हैं, क्या काम